नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय बनर्जी है। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब फूड चैनल जिसका नाम है बेगुनी। और आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल सा शरबत बना के दिखाऊंगा, जो शरबत का नाम है कालुक की शरबत। ये शरबत का ओरिजिन जो है वो केरला में है और समर सीजन में ये शरबत केरला में पिया जाता है। बहुत ज्यादा फेमस है और पॉपुलर है ये शरबत। इससे क्या है, आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिलता है। आप अगर बहुत ज्यादा टायर्ड हो, थक गए हो, तो ये शरबत पीने से आपको इमीडिएटली रिफ्रेशमेंट मिलता है और एनर्जी भी मिलता है। ये शरबत में जो जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कालुक की शरबत बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 2 ग्लास वाटर, मिंट लीव्स, पुदीना पत्ता, सुगर, सॉल्ट और ग्रीन चिलीज और लेमन, नींबू और आइस क्यूब। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए कालुक की शरबत बनाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बनाने का तरीका कैसा है, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगेगा बनाने के लिए और पीने से एकदम आपको एनर्जी मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, ताकत भी मिलेगा और ये आपका बॉडी जो है कंप्लीट रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको कैसे बनाए। पहले जो करेंगे वो है नींबू को काट लेंगे ऐसे। नींबू का जो ये पोर्शन है ये यूज होगा गार्निशिंग के लिए, तो इसको हम लोग पैकिंग के लिए रख देंगे ऐसे। तो मैं 2 ग्लास बनाऊंगा इसलिए मैं 2 नींबू काट रहा हूं। नींबू काट लिया, अभी पानी में पहले से लेकर रखा था यहाँ पे 2 ग्लास वाटर। तो नींबू जो है मैं यहाँ पे निचोड़ दूंगा। तो नींबू मैंने यहाँ पे निचोड़ दिया है, नींबू का जो रस इसके अंदर चला गया। अभी क्या है, बारीकी से कटा हुआ जो ग्रीन चिली था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने। और 5-6 पुदीना का पत्ता जो है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगा। इसमें क्या है, पुदीना जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपका बॉडी को बहुत ज्यादा रिफ्रेश करता है। और पुदीना का जो एक एरोमा है, जो एक सेंट है, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा खुशबू लेके आता है शरबत के अंदर। तो इसलिए मैंने नींबू का रस, ग्रीन चिली, पुदीना पत्ता मिक्स किया। अभी स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे सुगर और सॉल्ट मिक्स करूंगा। तो मैंने स्वाद अनुसार सुगर एंड सॉल्ट यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, डैश ऑफ लाइम और 2 ग्रीन चिली बचा के रखा है, जो यूज होगा गार्निशिंग के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने जो पानी के अंदर जो पुदीना पत्ता, ग्रीन चिली और नींबू का रस डाला था उसको मैं अच्छे से, और सुगर एंड सॉल्ट सॉरी वो भी मैं अच्छे से यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी इसको मैं मिक्स कर लूंगा 1 स्पून से, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा जब तक सुगर एंड सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। आप लोग जो है ये चीज मिक्सर और ब्लेंडर में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। ये मैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो घर में अगर बनाना है तो आप मिक्सर और ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो इसको बनाने के लिए। ठीक है, अभी ये जो है सुगर और सॉल्ट पूरी तरह से पानी के अंदर घुल गया है, तो मैं अभी इसको ग्लास में ले लूंगा। तो दोस्तों अभी जो ये है शरबत वो मैंने ग्लास में ले लिया है, 2 ग्लास में, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं 2 ग्लास के लिए शरबत बनाया था, 2 ग्लास में मैंने डाल दिया इसको। अभी क्या है, हम लोग को गार्निशिंग करना है। ठीक है, तो ये जो डैश ऑफ लाइम था वो जाएगा पानी के अंदर, शरबत के अंदर जाएगा वो। अभी जो ग्रीन चिली में रखा था उसको मैं स्लिट कर लूंगा ऐसे,
ये ग्रीन चिली जो है वो भी गार्निशिंग के लिए यूज होगा। और इसके अंदर दोस्तों ये शरबत के अंदर मैं जो बारीकी से काटा हुआ ग्रीन चिली डाला था तो वो थोड़ा स्पाइस ऐड करने के लिए डाला था मैं शरबत के अंदर। अगर आप लोगों को तीखा पसंद नहीं है तो आप वो ग्रीन चिली को अवॉइड भी कर सकते हो, मगर गार्निशिंग जो है वो जरूरी है क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा फ्रेश लुक देती है शरबत को। ठीक है, इस तरह से। और अभी जो मैंने पुदीना पत्ता रखा था वो भी जाएगा इसके अंदर। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुदीना पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था शरबत में। तो ये जो है बस एक फ्रेश लुक देने के लिए इसको, और पीने का जो एक एपिटाइट है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं यहां पे जो आइस क्यूब रखा था वो भी अभी जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा शरबत जो है वो रेडी है और हम लोग इसको पी के देख सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत सुपर ऑसम टेस्ट, एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, घर पे बना के जरूर इसको पीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगा। अगर आप लोगों को कोल्ड का प्रॉब्लम है देन यू कैन अवॉइड दिस आइस क्यूब, ओके, मगर इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन सुनेंगे तो इसको जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स गया है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हेल्थ के लिए। सबसे तो जो बड़ी बात है इसके अंदर लाइम है जो विटामिन सी से भरपूर है, जो आपको अंदरूनी ताकत देता है बहुत सारा डिजीज से फाइट करने के लिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो शरबत है इसको ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेरी जो वीडियो है, मेरी जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिलेगा मेरे चैनल को, जो बेगुनी है, जो एक फूड चैनल है। और अगर कुछ भूल चूक हो गया मेरे से तो मुझे माफ कर देना कृपया। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपना फैमिली मेंबर के साथ, अपना दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देना है, टिप्स देना है, या फिर कुछ ओपिनियन शेयर करना है मेरे साथ तो प्लीज डोंट हेसिटेट, कमेंट बिलो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।